विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गढ़वा में उमड़ा जन सैलाब। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आदिवासी भाई बहनों के साथ मिलकर मनाया जश्न। गढ़वा। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड निर्माण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आदिवासियों को मिलेगा पूरा हक व अधिकार। झारखंड के हेमंत सरकार आदिवासियों के हित में बेहतर कार्य कर रही है। गढ़वा में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन में उमड़ा जन सैलाब यह बता रहा है कि आदिवासियों के हित में झारखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गढ़वा में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर के नवादा मोड़ स्थित उत्सव गार्डन में बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भगवान बिरसा मुंडा, स्वतंत्रता सेनानी चेतन सिंह खरवार व फेतल सिंह की प्रतिमा पर माला अर्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंत्री सहित सभी आदिवासी नेताओं व समाज के प्रबुद्ध लोगों को पगड़ी पोसी कर स्वागत किया गया। इससे पूर्व आदिवासी समाज के लोग गढ़वा टाउन हॉल के मैदान से आदिवासी नृत्य के साथ जुलूस निकालकर कार्यक्रम स्थल उत्सव गार्डन पहुंचे, जहां मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंत्री ने पलामू के सांसद जेठन सिंह खरवार व फेतल सिंह के वंशजों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आदिवासी समुदाय को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिशम गुरु शिबू सोरेन ने आदिवासी एवं मूल वासियों के हित की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर झारखंड को अलग राज बनवाया। झारखंड निर्माण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आदिवासियों को उनका पूरा हक व अधिकार मिलेगा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों के हित में बेहतर काज कर रही है। आदिवासियों के बच्चों को विदेशों में निशुल्क पढ़ाई, यूपीएससी, जेपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग, शिक्षा, ऋण आदि कई तरह की योजनाएं चला रही है। राज्य में आदिवासी हित एवं झारखंड वासियों के लिए बेहतर कार्य कर रहे आदिवासी के बेटे हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार पचा नहीं पा रही है। उन्हें सत्ता से हटाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। केंद्र की यह करतूत पूरे झारखंड की जनता का अपमान है। इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आदिवासियों की 2% आबादी है, परंतु एक राजनीतिक दल के लोग आदिवासियों का उपयोग वोट बैंक के रूप में करते हैं। वे लोग सत्ता में आते ही आदिवासी को भूल जाते हैं। झारखंड सरकार आज पूरे राज्य में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मना रही है। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार सभी जरूरतमंद को वन पट्टा उपलब्ध कराएगी। यदि इस कार्य में कोई अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गवर्नर के साथ भोज में शामिल होने के लिए गढ़वा से भी आदिवासी समुदाय के लोगों का नाम भेजा गया है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि पलामू की धरती से कई वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। मौके पर हेमंत लकड़ा, चैतू सिंह खरवार, हीरामन कोरवा, ज्योति लकड़ा, राम सागर उरांव, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी आदि ने भी विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संजय सिंह खरवार छोटू ने किया। मौके पर मुख्य रूप से जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह, झामुओ के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, झामुओ जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा चौबे, चंदा देवी, अनीता दत्त, रजनीगंधा, ताहिर अंसारी, बनारसी सिंह खरवार, नवीन तिवारी, दिलीप गुप्ता, राजकिशोर यादव, मनदीप सिंह खरवार, कामता सिंह खरवार, बिलास सिंह खरवार, नितेश सिंह खरवार, प्रमीला देवी, सुनैना देवी, लीलावती देवी, रतन सिंह खरवार, बसंती पन्ना, शिवलखन लकड़ा, गजाधर सिंह खरवार, बागेश्वर सिंह, कपिल देव सिंह, बंधन उराव, मंगरू सिंह सहित काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। वहीं मांदर बजाकर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया आदिवासी नृत्य। वहीं काफी संख्या में आदिवासी भाई बहनों को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उपहार देकर आदिवासी समुदाय को सम्मानित किया। आदिवासी महोत्सव के दौरान गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मांदर बजाकर आदिवासी नृत्य किया।
इस दौरान कई आदिवासी नेताओं ने भी मंत्री के साथ मांदर बजाकर नृत्य किया। इस कार्यक्रम में आदिवासी परंपरा के अनुसार मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों की कई टोलियों ने आदिवासी नृत्य व गीत प्रस्तुत किया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले टोलियों को उपहार स्वरूप दो दो मांदर दिया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदिवासियों को उपहार में धोती एवं साड़ी प्रदान की। मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे।